Dear student, assalamu alaikum. I am your English teacher, Ma'am Maria. Welcome to your English online class 4. Today we are going very stunning lesson number 14, an injured bird. Now come to page number 98. An injured bird. Injured means zakhmi. Ek zakhmi parinda. Dear student, I will also answer the question at the end of each paragraph. Which will be similar to this paragraph. जो भी question exercise का similar होगा paragraph से तो मैं आपको answer guide करती जाऊँगी. Okay, let's begin. Caroline is lucky because she lives in a house which has a large garden and many trees. Caroline खुशकिस्मत है because क्योंकि वो एक ऐसे घर में रहती है जिसमें एक बहुत बड़ा बाग और बहुत सारे दरख्त हैं. हर पेरेंट्स लाइक बर्ड, उसके पेरेंट्स परिंदों को पसंद करते हैं. सो एवरी डे, इसलिए वो हर रोज़ दे पुट आउट, उनको डालते हैं राइस, नट्स, ब्रेड्स और ओल्ड फ्रूट्स. डियर स्टूडेंट, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज कैरोलाइन लकी? कैरोलाइन खुशकिस्मत क्यों है? दिस इज द आंसर. Caroline is lucky because she lives in a house which has a large garden and many trees. Okay, next paragraph. One morning, Caroline heard a bang on one of the window. एक सुबह Caroline ने एक खिड़की से जोरदार या धमाकेदार आवाज़ सुनी. Bang का मतलब है sharp noise. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. शी टर्न राउंड क्विकली, वो जल्दी से मुड़ी एंड सा स्मॉल फीदर्स फ्लोटिंग डाउन टू द ग्राउंड. छोटे छोटे टुकड़े पर ज़मीन की तरफ उड़ते हुए ज़मीन की तरफ आ रहे थे. छोटे छोटे टुकड़ों में पर ज़मीन की तरफ आ रहे थे. शी ओपन द विंडो एंड सा ब्राइट येलो बर्ड. उसने खिड़की खोली और एक चमकदार पीला परिंदा ऑन द पाथ बाय द हाउस, घर के पास देखा. इट वॉज स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, जो अपने पाँव पर खड़ा था. विद इट्स बीक ओपन, और उसकी चूंच खुली थी. बीक मीन्स चूंच. कैरोलाइन कॉल्ड हर ब्रदर. कैरोलाइन ने अपने भाई को बुलाया. पीटर कम एंड लुक एट दिस पुअर बर्ड. पीटर आओ और इस बेचारे परिंदे को देखो. इट्स जस्ट फ्लोन इनटू द विंडो, उड़ते हुए खिड़की से टकराया है. आई सा सम फीदर कम ऑफ, और इसके कुछ पर भी गिर गए हैं. डू यू थिंक इट्स सीरियसली इंजर्ड, क्या तुम जानते हो यह वाक्य में जख्मी है? डियर स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ पैराग्राफ. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड कैरोलाइन हियर वन मॉर्निंग? एक सुबह कैरोलाइन ने कैसी आवाज़ सुनी? तो ये अभी हमने पढ़ा है. वन मॉर्निंग कैरोलाइन हियर्ड अ बैंग ऑन वन ऑफ द विंडो, एक जोरदार और धमाकेदार आवाज़ सुनी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. पीटर एंड कैरोलाइन वॉश्ड द बर्ड ऑफ फॉर सीवरल मिनट्स. पीटर और कैरोलाइन उस बर्ड का कई देर तक मुशाहिदा करते रहे. It might have injured a wing or its neck. हो सकता है इसकी गर्दन और पर जख्मी हो गए हों. Peter said. Peter ने कहा. What shall we do? अब हमें क्या करना होगा? It must be alive still. अगर तो वो जिंदा है अभी तक. Caroline said. Caroline ने कहा. It's standing up और खड़ा है. And its eyes, और इसकी eyes are open, और open मतलब कि इसकी आंखें खुली हैं. अगर तो वो जिंदा है अभी तक. कैरोलाइन ने कहा. और खड़ा है और इसकी आंखें खुली हैं. कैरोलाइन रिटर्न टू हर होमवर्क. कैरोलाइन अपने होमवर्क की तरफ मुतवज्जो हुई. एंड पीटर वेंट इनटू द किचन टू गेट अ ड्रिंक. पीटर जो है वो किचन की तरफ चला गया और टू गेट अ ड्रिंक, और ड्रिंक पीने के लिए.
ड्रिंक के लिए। लेटर ऑन बाद थोड़ी देर बाद द चिल्ड्रन लुक एट द बर्ड सीरियल टाइम, जो बच्चे थे, बच्चे कौन कौन थे, कैरोलाइन और पीटर, कई देर तक बर्ड को देखते रहे। इट वॉज इन द सेम प्लेस ईच टाइम, और वो हर मरतबा एक ही जगह पर पाया गया। वी कैन नॉट लीव इट देयर, कैरोलाइन सेड इवेंचुअली, आखिरकार में हम इसको छोड़कर ऐसे अकेला नहीं जा सकते। इट मस्ट बी हंग्री, ये ज़रूर भूखा और थर्स्टी और प्यासा होगा। शेल आई पिक इट अप एंड पुट इन अ बॉक्स विद द लिड ऑफ, मैं इसे उठा लूँगी और एक ऐसे बॉक्स में, इसे बॉक्स में डाल लूँगी जिसका ढकना ऊपर से खुला होगा। इफ़ इट्स इंजर्ड एंड गोइंग टू डाई, अगर तो वो ज़ख्मी है और मरने वाला है, पीटर सेड, पीटर ने कहा, परहैप्स मीन्स गालबन, आई ओट, ओट मीन्स ताके, आई ओट टू किल इट टू स्टॉप इट फ्रॉम सफरिंग, तो हमें ताकि इसको मार दें ताकि वो आगे तकलीफ से बचाया, उसे तकलीफ से बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट पेज एक्सरसाइज की तरफ आए। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डिड दे वॉच द बर्ड, कितने मिनट्स तक बर्ड्स को, परिंदे को वो देखते रहे। द चिल्ड्रन लुक एट द बर्ड सीवियरल टाइम, कई टाइम तक बर्ड को देखते रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड कैरोलाइन रिटर्न एंड पीटर गो, कैरोलाइन कहाँ वापस गई एंड कहाँ मुतवज्जो हो गई, एंड पीटर गो, पीटर कहाँ गया। कैरोलाइन रिटर्न टू हर होमवर्क एंड पीटर वेंट इन टू द किचन टू गेट अ ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, नो नो डू नॉट डो, डू नॉट डू दैट, कैरोलाइन सेड, इट मे रिकवर लेटर ऑन। नो नो, ऐसा हम नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं करेंगे। कैरोलाइन सेड, कैरोलाइन ने कहा, इट मे रिकवर लेटर ऑन, बाद में हो सकता है बाद में सेहतयाब हो जाए, बट मिस्टर ओलिवर कैट मे कम इन टू द गार्डन, पीटर सेड। पीटर ने अब क्या कहा कि जो मिस्टर ओलिवर की कैट है, ओलिवर की कैट है, वो गार्डन में आती रहती है। ऑल राइट, कैरोलाइन सेड, कैरोलाइन ने कहा, ठीक है, आई विल स्टे हेयर, मैं यहीं ठहरूंगी, एंड कीप द कैट अवे, और बिल्ली को दूर रखूंगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, देन सडनली, फिर अचानक से, द बर्ड लुक्ड अप एट कैरोलाइन, परिंदे ने कैरोलाइन की तरफ देखा, इट मूव्ड एंड देन अप, फ्लू अप टू अ ट्री, और हरकत में थोड़ी सी हरकत की और दरख्त की तरफ उड़कर चला गया। कैरोलाइन एंड पीटर वर बोथ वेरी प्लेस्ड, कैरोलाइन और पीटर दोनों बहुत खुश हुए, प्लेस्ड मीन खुश। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, देन दे कट सम स्ट्रिप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ एंड फैसन्ड, फैसन्ड मीन चस्पा या फिक्स हो जाना एक जगह पे, देम टू द विंडोज विद द सीलो टेप, फिर उन्होंने क्या किया, एक पुराना कपड़ा लिया और उसकी स्ट्रिप्स, उनको स्ट्रिप्स में काट दिया और विंडो पे चस्पा कर दिया, किससे, सीलो टेप से। ये लुक एट दिस पिक्चर, या आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये इन्होंने पुराने कपड़े से काट के विंडो पे सीलो टेप से चस्पा कर दी है, फिक्स कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम द आउटसाइड कैरोलाइन सेड द बर्ड कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री, अब कैरोलाइन क्या कह रही है, बाहर की तरफ से परिंदे दरख्तों को अक्स देख सकते हैं, दे कैन नॉट सी द ग्लास, और शीशा नहीं देख सकते, सो दे फ्लाई इन टू इट, दे थिंक दे आर फ्लाइंग टूवर्ड अ ट्री, वो ये ख्याल करते हैं कि हम दरख्त की तरफ उड़ रहे हैं, द सीलो टेप विल कीप देम अवे फ्रॉम द विंडो, सीलो टेप क्या करेगी, इनको विंडो से दूर रखेगी। ओके स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ रीडिंग वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, वाई वर कैरोलाइन एंड पीटर प्लीज्ड, पीटर और कैरोलाइन क्यों खुश हुए, ये आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इट मूव्ड एंड देन, जब परिंदे ने मूव किया, एंड फ्ल्यू अप टू अ ट्री, और ट्री की तरफ, मतलब के दरख्त की तरफ उड़ कर चला गया, तो कैरोलाइन एंड पीटर जो थे वो बहुत, दोनों बहुत
खुश हुए। ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ रीडिंग एंड देन एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। ये आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू योर नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज में आपने इन सेंटेंसेस को चेंज करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेंटेंस है, जॉर्ज माइट हैव डन हिज होमवर्क। माइट सकता है, सकते हैं, इसका मतलब ये है जॉर्ज या जॉर्ज अपना काम कर सकता था। शी माइट हैव फ्राइड अ फिश, वो मछली फ्राई कर सकती थी। दे माइट हैव ईटन अ बर्गर, वे एक बर्गर खा सकते थे। यू माइट हैव टेकन अ शॉवर, आप नहा सकते थे। यू माइट हैव गॉटन फर्स्ट पोजिशन, आप पहली पोजिशन ले सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। हमने पास्ट मीन्स के सेकेंड एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म्स लिखनी है। फर्स्ट फॉर्म हमें दी गई है, तो वर्ब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज वर्ब। वर्ब है क्या? वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शंस और द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो वर्ब वो है जो काम, जिसमें काम हो रहा हो, अमल कोई हो रहा हो, या कोई फंक्शन या कोई इवेंट, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब एक वर्ब है। वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ओके लेट्स स्टार्ट। सी सा सीन। लिव और लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड और थर्ड फॉर्म भी लिव्ड। पुट पुट पुट। गो वेंट गोन। फ्लाई फ्लू फ्लोन। कम कैम कम। वॉच वॉच्ड वॉच्ड। इंजर इंजर्ड इंजर्ड। और नेक्स्ट है से सेड सेड। मे माइट माइट। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, यूज द वर्ब्स गिवन इन एक्सरसाइज बी इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। जो आपको एक्सरसाइज बी में ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं को आपने ये वर्ब सॉरी आपको दिए गए इन्हीं को आपने सेंटेंसेस में चेंज करने हैं। वो कैसे, ये आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस बने हुए हैं। सी कम लिव। सी इट्स नाइस टू सी यू। कम ही कम्स टू स्कूल बाय बस। लिव वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। वॉश दे वॉश्ड अ फुटबॉल गेम। पुट पुट योर हैंड अप। इंजर्ड। और लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेट अस गो होम। मे यू मे बी राइट। किसी में सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज हुई है, किसी में वही फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। जैसे आप देख सकते गो जाना, लेट अस गो होम, नो नॉट वेंट, वेंट यहाँ यूज नहीं हुआ। मे यू मे बी राइट। फ्लाई दीज बर्ड फ्लाई इन ग्रुप्स। द चिल्ड्रन से द वर्ड अलाउड। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।